Now coming to question number 8, part 1st. Explains 49 as the sum of 7 odd numbers. जो 49 number है, हमें उसे 7 odd numbers में express करना है. तो जैसे कि आप जानते हैं कि 49 जो है वो हमारा 7 का square है. 49 किसका square है? 7 का. So therefore, अगर हम 7 odd numbers का sum कर दें, तो वो equals to 49 होगा. So हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. और जब हम ये 7 odd numbers को add करेंगे, तो हमारा जो answer आएगा, वो 49 आएगा. Now part 2. Express 121 as the sum of 11 odd numbers. जो 121 है, उसको हमें एक्सप्रेस करना है 11 ऑड नंबर्स में. सो 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है. सो हमें कितने ऑड नंबर्स लिखने हैं? 11. सो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 एंड प्लस 19 एंड प्लस 21. तो ये हमारे 11 ऑड नंबर्स हो जाएंगे.